वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज धुआंधार रैलियां करेंगे। एक दिन में तेजस्वी यादव 7-7 जनसभाएं करेंगे। सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में सभा करेंगे तो वहीं मधुबनी, मधेपुरा और सुपौल में भी तेजस्वी यादव जनसभा करेंगे। तो आज एक साथ 7-7 जगहों पर तेजस्वी यादव की जनसभा होनी है। और मुजफ्फरपुर संवाददाता चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए आज तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो INDIA गठबंधन के नेता हैं, वो काफी उत्साहित हैं। किस तरह की तैयारी है मुजफ्फरपुर में? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो है कि मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा को संबोधित करेंगे। उस दौरान लगभग जो है 50,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है, जिसके लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बताया जा रहा है कि आज जो है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों उम्मीदवार जो है कि आज मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और उस दौरान दोनों नामांकन करेंगे। और काफी संख्या में वैशाली और मुजफ्फरपुर के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो जुटने की संभावना है। लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक लोग जुटेंगे और इस मामले को लेकर जो है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। और सिवान से संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, देखिए तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है उन्हें सुनने के लिए। सिवान में कैसी तैयारी है? देखिए रश्मि, बिल्कुल तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है और कार्यक्रम को लेकर जो आरजेडी कार्यकर्ता है काफी उत्साहित है। आरजेडी के जो जिला स्तरीय नेतागण है वो भी काफी उत्साहित है, क्योंकि तेजस्वी को जो खासकर आरजेडी के जो युवा समर्थक हैं वो काफी उत्साहित है तेजस्वी के संबोधन को सुनने के लिए। और युवाओं में एक अलग जोश जगा हुआ है तेजस्वी को लेकर। जो 17 महीना में तेजस्वी ने काम किया है, उस काम को लेकर भी सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो समर्थकों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। और आज सिवान के जो आरजेडी समर्थक है, जो प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी है, उनके जो समर्थक है काफी उत्साहित है और अब वो शहर के गांधी मैदान में इंतजार कर रहे हैं अपने नेता तेजस्वी यादव की, उनके संबोधन को सुनने के लिए और इंतजार कर रहे हैं। जी, वहीं सुरक्षा को लेकर अगर बात करें निरंजन, तो किस तरह की व्यवस्था वहां की गई है? रश्मि, सुरक्षा की बात कर ले तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में अगर बात कर ले तो जाम की समस्या न लगे और जो मंच जहां बनाया गया है वहां हर तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर जगह जहां ब्रैकेटिंग बनाई गई है, चेकिंग की जा रही है, जो समर्थक है उनके लिए अलग स्थान दिया गया है, नेता के लिए अलग स्थान दिया गया है और जो लोकल स्तर पर जो नेता है उनके लिए अलग स्थान दिया गया है। तो यानी कि जो सुरक्षाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। जी बिल्कुल निरंजन, देखिए 17 महीने बनाम 17 साल की बात लगातार तेजस्वी मंच से दोहरा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। फिलहाल अगर सिवान की जनता की बात करें तो उनका मूड क्या कह रहा है या किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आपको देखने को मिल रही है? देखिए रश्मि, जनता की प्रतिक्रिया की बात कर ले तो जनता ने मूड बनाया है। जो आरजेडी समर्थक है उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जिस तरह तेजस्वी यादव ने 17 महीने में काम किया है, जो बहालियां निकाली शिक्षा विभाग में, वो तेजस्वी यादव की देन है। ठीक है, मुख्यमंत्री केवल साइन करते हैं, मुख्यमंत्री अपने स्तर से करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पहल के बाद ही मुख्यमंत्री ने किया है। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि युवाओं में सबसे ज्यादा जोश है तेजस्वी यादव को लेकर और ये जो 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने काम किया है उसको लेकर उनके प्रत्याशी जहां जहां भी गए हैं उसको फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल निरंजन, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव आज एक दिन में 7-7 जनसभाएं कर रहे हैं। सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इसके साथ ही मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल में तेजस्वी यादव की जनसभा होनी है। बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास, धुआंधार रैली की जाएगी। सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में सभा की जाएगी।
इसके साथ ही मधुबनी, मधेपुरा और सुपौल में भी तेजस्वी यादव जनसभा करेंगे।